आलमे इस्लाम के अजीम लीडर की नसीहतें अपनी कौम के नौजवानों के लिए। कोई भी हजूम इन नसीहतों पर अमल करके एक अजीम कौम बन सकती है। अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना बनाओ, झूठ और गुनाह से बचो, नमाज को बिल्कुल सही तरीके से पढ़ो, तौबा में ताखीर ना करो, सलाम को और दुआ को अहमियत दो और मुस्कराहट चेहरे पर सजाए रखो। मुस्कराना एक सदका है। आजिज़ी से चलो, चला कर मत बोलो, इल्मी मजालिस में शिरकत करो, जाहिल और बुरे हमसाए से दूर रहो, सुबह जल्दी उठो और थोड़ा बोलो, गलत बात को मत फैलाओ, तमाम कामों में मुशावरत करो, ये अल्लाह का हुक्म है, अच्छे दोस्तों का इंतखाब करो, सुस्त ना बनो ना ही जल्दबाज बनो, शफकत वाला रवैया इख्तियार करो और फराख दिल बनो, जब तुम पर कोई मुसीबत आए तो उस पर सब्र करो, क्योंकि जिसने सब्र किया वो कामयाब हुआ। मैंने इनको जहन नशीन कर लिया है, मैं चाहता हूँ आप भी और अपने बच्चों को भी इनको जहन नशीन करवाएं, ताकि हम भी एक अजीम कौम बन सकें। मेरा प्रोग्राम इंशाल्लाह इस साल के आखिर में अल्लाह ताला के घर की ज़ियारत और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी देने का है। मेरी ख्वाहिश है कि मैं इसके बाद आलमे इस्लाम के इस अजीम लीडर से मुलाकात करने जाऊं। क्या ऐसा मुमकिन है? क्या आप मेरी रहनुमाई कर सकते हैं? आपसे दुआओं की अपील है। शुक्रिया।